हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि बीजेपी का जाना और कांग्रेस का आना तय है। बीजेपी हार को देखकर बौखलाहट में आ गई है। कई जगहों पर कांग्रेस की पोस्टर फाड़े गए हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत पर कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता अपराजिता सारंगी के बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि अच्छा होता वह महंगाई पर बात करती। चुनावों के समय बीजेपी के नेता हिमाचल में बड़े बड़े जुमले फेंक रहे हैं, लेकिन इसी विचारधारा के लोग स्टेट हुड मारो ठुड कहते थे। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली बीजेपी हाथरस, उन्नाव और रामपुर में लड़की के मर्डर पर भी बात करे। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमा गई है। जैनब चंदेल ने कहा कि बीजेपी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। बीजेपी को जनता का जिन राज्यों में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और जहाँ कांग्रेस की सरकारें थी वहाँ छल कपट और धनबल से विधायक खरीद कर सरकारें बनाई गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हिमाचल की जनता जागरूक है, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता, कांग्रेस हमेशा से लोकप्रिय रही है क्योंकि कांग्रेस ने जनहित के कार्य हमेशा किए हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है, ये मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसलिए हमारे जो बेजान पोस्टर हैं, होर्डिंग्स हैं, उनको तोड़ने फोड़ने का काम कर रही है। कितने शर्म की बात है, ये इनकी बौखलाहट को दर्शाता है। स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसी परंपराएं कायम नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि ये लोग हमारे पोस्टर और बैनर्स को फाड़ रहे हैं। इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इसकी हमने इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी की है। आज जब हिमाचल प्रदेश प्रगति के शिखर पर है, कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस ने सड़कों का निर्माण, स्कूलों का जाल बिछाया। आपको याद होगा पिछली बार जब हमारी सरकार थी, राजा वीरभद्र सिंह जी ने स्कूल्स खोले थे तो यही भाजपा के लोग थे जो कहते थे, क्या कहते थे, रेवड़ियों की तरह स्कूल बांटे। हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने कहा था, मैं अगर किसी दूर दराज के गांव में अगर चार बेटियां भी होंगी तो मैं उनके लिए भी स्कूल खोलूंगा। तो ये उनकी एक दूरदर्शिता थी कि बेटियां अगर पढ़ेंगी तभी तो समाज आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य की बात है और कितने शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वह चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे खेल के मैदान की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा किसने तैयार किया, कांग्रेस पार्टी ने। और इनसे तो वही नहीं हो रहा कि वहाँ पे स्टाफ भी पूरे कर लें। लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और यही वजह है कि अभी हमारे जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव हुआ और हमने लोकतांत्रिक तरीके से अपने अध्यक्ष को चुना। इधर की बात करते हैं, ये राष्ट्र की बात करते हैं, ये महिलाओं की बात करते हैं। इनके राज में ना ये महिला हितैषी है, ना युवा हितैषी है, ना किसान हितैषी है। पर कितना अच्छा होता आज ये भाजपा के बड़े बड़े नेता जो यहाँ आकर बड़ी बड़ी जुमलेबाजी कर रहे हैं, किसानों के बारे में कहते हैं कि हम उनको MSP देंगे तो मैं मानती। ये महिलाओं की बात करते कि हम महिलाओं को जहाँ जहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ उसकी आवाज उठाती। ये महिलाओं की बात करती हैं तो कितना अच्छा होता अगर ये कहती कि आटा जो 25 रुपए किलो मिलता था 40 रुपए है, हम कम करेंगे। एक बार नहीं कहा आपने, उनकी प्रेस रिपोर्ट को आपने कवर किया। सिलेंडर 450 रुपए का था, आज 1200 रुपए का हो गया। कितना अच्छा होता अगर ये कहती कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको 400 रुपए का सिलेंडर देंगे। आज ये कहते हैं कि महिलाओं के लिए जो कांग्रेस कह रही है 1500 रुपए देंगे, हम OPS को ये लागू करेंगे, तो ये जुमलेबाजी कर रही है। कांग्रेस कभी जुमलेबाजी नहीं करती है। कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, खाने का अधिकार हो, राइट टू फूड का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, जो जो कहा वो हमने किया। कहते रही है बड़ी बड़ी नेत्रियां, कितना अच्छा होता लखीमपुर पे भी बोलती जहाँ किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, उनाव पे भी बोलती जहाँ बेटी को बनवा दिया, हाथरस पे भी बोलती यहाँ आकर। और अभी आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है कि राम रहीम, मैं पूछना चाहती हूँ क्या वजह है जब जब इलेक्शन होते तभी तभी पैरोल मिलता है, आगे पीछे क्यों नहीं मिलता है।